ओम श्री साई राम। तो हम दोस्तों अभी भी सत्य साई बाबा के बाल साई अध्याय पर ही चल रहे हैं, जो श्री एन कस्तूरी जी ने सत्यम शिवम सुंदरम में भाग एक में उनके बारे में विस्तार रूप से लिखा है। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कस्तूरी जी लिखते हैं, पुट्टपर्ती की एक घटना, पुट्टपर्ती में एक दिन अचानक थोड़े भक्तों से तुम्हें वृंदावन बिहारी कृष्ण का वेणुनाद सुनना है, ऐसा हमारे सत्य साई बाबा ने पूछा। इस सौभाग्य को कौन नहीं चाहेगा। सभी ने उत्सुक होकर बाबा को घेर लिया। आओ अपने कान मेरे वक्ष पर रखो, बाबा ने ऐसा कहा। कमलापुर रामराजू की आंखों में 19 वर्ष के बाद आज भी इस घटना के स्मरण में आनंद अश्रु उमड़ आते हैं। यमुना प्रभा को रोकने वाला नाथ प्रभा सबने सुना। इस प्रकार एक दिन अचानक बाबा बोले, वह देखो शिरडी साईं आ रहे हैं। सब भक्तों ने कहा, कहाँ पर? बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। भक्तगण तथा ईश्वर अम्बा से देहरी पार कर अंदर आती खड़ाओं की ध्वनि सुनी। वह ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि मैंने कौन है वह खड़ाओं के साथ घर में आ रहा है, इस प्रकार जोर से डांटते हुए पूछा। ईश्वर अम्बा ने इस घटना के विषय में बताते हुए इस प्रकार कथन किया। ये माता ईश्वर अम्बा बता रही हैं। वेदपंका राजू ने अपने अनुभवों का वर्णन मुझसे किया। उनमें से एक का विवरण उचित लगता है। एक दिन संध्या समय पेनुकोंडा से कुछ लोग पुट्टपर्ती आए। तब बाबा पुराने मकान में एक छोटे भजन गृह में थे। आए हुए लोगों में से पेनुकोंडा के एक वकील श्री कृष्णामचारी भी थे। उनको पुट्टपर्ती छोड़े अनेक वर्ष बीत चुके थे, पर फिर भी अपने स्वग्राम के प्रति उन्हें विशेष अभिमान था। वे सब करणम शुभम के घर में ही ठहरे थे। मैं भी उनसे मिलने वहां पहुंचा। ये कस्तूरी जी बता रहे हैं। फलाहार का सभी बरामदे में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों जी, तुम्हारे लड़के की क्या महिमा है? उसके चमत्कारों का मर्म क्या है? उसकी धूमधाम का अर्थ क्या है? मैंने उनसे ही परिप्रश्न किया। माता ईश्वर अम्बा बताती हैं कस्तूरी जी को, इन बातों का नख रिख मैं क्या जानूं? शास्त्र आदि पढ़े हुए लोगों को ही ज्ञान होना चाहिए। मेरे जैसे पांपर किस प्रकार जान सकते हैं ऐसी बातें? वकील साहब मुझ पर क्रोधित हुए। ये सब दम्बाचार ही है। तुम भी इस पाखंड की लीला में मिले हो। लड़के को समझाकर सुधारने की अपेक्षा उनको शिखर पर चढ़ाकर धूप दीप अर्पण कर गांव की आंखों में धूल झोंक रहे हो। क्यों द्रोह करते हो ऐसा? कहकर मुझ पर सब बरस पड़े। मुझे भी क्रोध आया। धत, मैंने सबके मुँह से गालियाँ ही सुनने की स्थिति इसमें अपनी प्राप्त करवाई है क्या? स्वतः ही अपने भाग्य पर रोते हुए मैं उस भजनागृह में गई। इस क्षण उनको तथा मुझे भी ये कपट नहीं है, छल नहीं है, इसका प्रमाण भी दे दो, ऐसा उनकी पुकार थी। गांव वाले जब तुम्हारी निंदा करते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकता। इस प्रकार मैं गरज पड़ा। तब बाबा मंद मंद मुस्कुराए, शांति से उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, उन सबको यहाँ लेकर आओ। मेरा क्रोध वहीं पिघल गया। अच्छा, यूं कहकर मैं करणम के घर लौटा। सुभमा को संबोधित कर बाबा बोले, आपको शिरडी के साईं बाबा की समाधि दिखाता हूँ, इधर आइए। उसे अपने पुराने घर में हाथ पकड़ कर ले गए। आंखें मूंद कर ही चलिए, मेरी सूचना के पश्चात ही आंखें खोलिएगा, सुबमा को आज्ञा दी। दो तीन देरियों को पार करके
पार करा ही था कि घर के दाईं ओर से एक कमरे के किवाड़ के पास खड़े होकर कहा, सामने देखिए, वहाँ सुबमा को शिरडी समाधि, उस पर चढ़ाते हुई पुष्प मालाएं, पास की जलती अगरबत्ती, सुगंधित धूप, एक कोने में जप करता एक भक्त स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुछ समय के लिए वे आनंद से स्तंभित रह गई। बाबा ने उनको उस पार देखो, दूर से हनुमान जी का मंदिर दिखता है, ये देखो इस ओर वह इमली का वृक्ष, कहते शिरडी के सब प्रमुख स्थल दिखाए। समाधि के दर्शन, उसके आसपास के प्रदेशों के दृश्य को वहीं सहवत कराया। तो ऐसी है हमारे साईं बाबा की लीला। चलो भक्तों, आगे चलते हैं। उस छोटी सी आयु में भी बाबा अपने पास आए लोगों को सुधारने के हित अनेक उपदेश दिया करते थे। उनके अवतार का उद्देश्य मानव के उद्धार के लिए उत्तम आदर्श मार्ग का बोधन कराना ही है। वे 15 वर्ष के थे तब ये घटना की व्याख्या करें तो वाचकों के मन में ये बात भी हो सकती है और स्पष्ट और भी हो जाएगी। उस समय तक सत्यनारायण ने सत्य साईं के रूप में परिवर्तित होकर लोगों के हृदय में सदा के लिए स्थान बना लिया था। बाबा पुट्टपर्ती आ चुके थे। उनकी लीला और महिमा को देखने और उसका आनंद उठाने के लिए भक्तों का समूह प्रतिदिन जमता रहता था। उन्हीं दिनों में भुक्कापट्टनम के दिगंबर स्वामी नामक एक यति भी वहां पहुंचे। उनके दोनों पैर कुठित थे। उन्हें डोली में बिठाकर उनके नौकर सब स्थानों पर उनको ले जाया करते थे। वहां जर्जित वृद्ध धोती कुर्ता और भी ना कुछ पहने नग्न ही रहते थे। ऊपर से उनका मौन व्रत, बस फिर क्या था। जनता उनको परम योगी मान भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगी। उसी समय यश प्राप्त किए बाल साईं तथा वयोवृद्ध योगी के मिलाप से कैसी चमत्कारनी पूर्ण घटनाएं घटने लगी। ये दिगंबर स्वामी अपने दिव्य चक्षु द्वारा पहचान लेंगे कि ये बालक महात्मा तथा भगवद्वंशी है। ये सोचकर कुछ भक्तों ने उन्हें करणम सुबमा के यहाँ बरामदे में बिठा दिया। कुछ समय पश्चात ही अपनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास आए अपने हमारे बाल साईं। बाबा ने उनको एक तौलिया दिया, थोड़ा उपदेश भी दिया। दिगंबर स्वामी को तौलिया उस वृद्ध मौन व्रतधारी योगी को बालक का उपदेश कितना विचित्र। अभी तक किसी की उन्हें ना दी हुई तो वस्तु बाल साईं ने उन्हें दे दी। देह पोषण के लिए तौलिया और मौन पोषण के लिए बौद्ध अमृत। कितना खूबसूरत वाक्य है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार दिगंबर हो, मौन धारण कर परम वैरागी प्रतीत होते हैं, फिर आप किस कारण जन समुदाय की अपेक्षा कर गांव-गांव घूमते हैं? अपना भार वाहन करने के कष्ट इन लोगों को क्यों देते हैं? सबका त्याग कर किसी अरण्य की गुफा में वास करना ही वैराग्य कहलाता है क्या? वहाँ अपने सब लोगों को भुलाकर तपस्या कीजिए। यदि जनता के बीच ही रहना है तो शिष्यों के जमा कर उनकी सेवा ही लेनी है तो फिर शिष्टाचार के अनुसार वस्त्र धारण कर व उनके साथ बातें करके ही अपेक्षा अपने हाथों से संकेत कर उन्हें समझने का कष्ट शिष्यों को क्यों देते हैं? अरे हाँ, अरण्य में बैठकर तपस्या करें तो भोजन कहाँ से मिलेगा, ये भय है शायद आपको। बाबा ने ऐसा उनसे कहा। इस भय की आवश्यकता नहीं है आपको, आप कहीं भी रह सकते हैं, मैं आपके आहार की व्यवस्था कर दूंगा, स्वामी ने ऐसा उनको कहा। आपके योग क्षेम में सुरक्षित रखूंगा। कीर्ति प्रतिष्ठा शिष्य मंडली की आशाओं की बल की बलिवन वृथा की इस वेश को धारण करने से क्या लाभ है? यही था उनका एक उपदेश। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी कहा गया है कि ना गुरु को देखें तो केवल एक बालक, शिष्य को देखें तो एक वयोवृद्ध। ये कैसा वैचित्र, क्या विचार करें कितनी महत्वपूर्ण चेतावनी है। आश्वासन कितना
अचंभित, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा योगक्षेम मेरे हाथ में है। प्रभु तत्व सूचक ये शब्द भगवत तार मात्र ही उच्चारण कर सकता है। पाठक इस मर्म को जान ही गए होंगे। केवल 15 वर्ष की आयु में ही दिया गया था ये उपदेश हमारे स्वामी ने। कितना खूबसूरत वाक्य है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।